वेलकम बैक। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि स्नेक क्यूब में इजी स्टेप में डक कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, हमें यहाँ पे पहले दो स्टेप में वन टर्न करना पड़ेगा, इन टू स्टेप वन टर्न, और वो भी नीचे की तरफ ऐसे। उसके बाद यहाँ पे फोर स्टेप पे हमें हाफ टर्न करना है, 1 2 3 4, और ये है हमारा हाफ टर्न ऊपर की तरफ। अब हमें इसको ऐसे पकड़ के रख देना है, और अब हमें यहाँ पे टू स्टेप पे वन टर्न करना पड़ेगा, 1 2, ऐसे हमें करना है, और यहाँ पे हमें थ्री स्टेप पे वन टर्न, 1 2 3, राइट की तरफ वन टर्न ऐसे। यहाँ पे एक ही स्टेप पे हमें एक टर्न करना पड़ेगा, एक स्टेप, और ये एक टर्न सामने की तरफ ऐसे। उसके बाद हमें यहाँ से फिर से वन स्टेप पे सामने की तरफ टर्न करना पड़ेगा। उसके पहले हमें यहाँ पे चार स्टेप पे एक हाफ टर्न करना है, 1 2 3 4, ये हाफ टर्न। अब हमें इसको सामने की तरफ टर्न करना पड़ेगा, ये ऐसे, जिससे हमारे ये सेकंड लाइन भी ज्वाइन हो जाएंगे। अब हमें हमारी थर्ड लाइन बनानी है वैसे ही। अब हमें इसको एक स्टेप छोड़ के नीचे की तरफ टर्न करना है पूरा, ये हमने टर्न किया। अब हमें इसको एक स्टेप पे हाफ टर्न करना है, वो भी लेफ्ट साइड में ऐसे, जैसे हमारी ये वाली लाइन भी बन जाएगी। अब हमें यहाँ पे बचे हैं हमारी तीन। अब हमें इसको ऐसे राइट की लेफ्ट की तरफ टर्न करना है, ये किया, तो ये है हमारा स्टेप। हमें इसको ऊपर की तरफ टर्न करना है, और ये हमारा पूरा डक बन चुका है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को तो जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बाय।